आज 22 फरवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 22 फरवरी 2023 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली अगर एक शब्द में हम सार रूप में देखें तो वो शब्द है खुशी की खुराक। यस, खुशी की खुराक। लौकिक में हर माँ बाप जानते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं कि खुराक जीने के लिए जरूरी है, और कौन सी खुराक शक्तिशाली होती है। तो खाने में हमको पता है कि जो भोजन हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माना पिष्टमय पदार्थ कहते हैं, चर्बी और प्रोटीन, उसके साथ विटामिन, मिनरल्स और पानी, ये सब अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर बाबा जो खुराक की बात कर रहे हैं, ये बाबा ने बहुत पहले कहा था। भारत में कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं। आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है, खुशी के ऊपर। इनफैक्ट मार्च में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, उसके ऊपर का एपिसोड काफी फेमस हुआ। खुशी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, खुशी क्यों खुराक है। तो इसके ऊपर आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये बुक है वास्तविकता में, आपने अगर नाम सुना हो, नॉर्मन कजिन्स नाम की व्यक्ति, जिसको एक ऐसी बीमारी हुई जिसको लाइलाज कहते हैं। आज भी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने केवल खुशी की खुराक खाकर अपनी बीमारी को ठीक किया है, और उसने इसके ऊपर किताब भी लिखी हुई है। जिसको भी लाइलाज बीमारी है उसको ये पढ़नी चाहिए किताब। किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। इस किताब में नॉर्मन कजिन्स ने अपनी पूरी बीमारी के बारे में बताया कि कैसे उसे बाम्बू स्पाइन, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बीमारी हुई थी। इस बीमारी में रीढ़ की सभी हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है कि वो रीढ़ की हड्डी झुक नहीं पाती है, ना टर्न कर सकते हैं, तो व्यक्ति का शरीर सख्त हो जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे बिस्तर पर आता है। आज भी इसका इलाज अच्छी तरह से नहीं है। तो नॉर्मन कजिन्स अंतिम स्टेज में, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऐसे ही अंतिम समय आएगा। इस व्यक्ति ने डॉक्टर के बिलीफ, मान्यता को चैलेंज किया और अपने आप से बात किया कि मैं
ऐसे तड़पते हुए शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो उस व्यक्ति ने डिस्चार्ज लिया और डिस्चार्ज लेके वो व्यक्ति होटल में गए और वहां पर उन्होंने क्या किया कि होटल में चार्ली चैपली और लॉरेल एंड हार्डी इनके मूवीज देखना चालू किया। ये कॉमेडी मूवी है जो देख के लोग खूब हंसते थे, तो इसने अपने आप को हंसाने के लिए ये मूवीज देखते थे। धीरे धीरे नॉर्मन कजिन्स ने नोटिस किया कि उसका दर्द कम होते जा रहा है, उसकी दवाइयों की खुराक कम होते जा रही है, और धीरे धीरे डॉक्टर ने भी कहा कि तुम ठीक होते जा रहे हो, तुमको दवाई की जरूरत नहीं, और ये व्यक्ति पूरी तरह से उसमें ठीक हो गई। आखिर डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल कॉलेज में बुलाया और वहाँ पर इसके लेक्चर्स होते थे। मेडिकल कॉलेज में इन्होंने बताया कि मेरी ठीक होने का राज है खुशी की खुराक, और इसके ऊपर फिर लोगों ने रिसर्च किया और आज हमारे पास डेटा है, साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी है कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, उनका शरीर प्रतिकार शक्ति अच्छी रहने के कारण बीमार कम पड़ता है। नॉर्मन कजिन्स ने तो कहा जैसे कोई व्यक्ति जॉगिंग करता है माना भागता है, कसरत करता है, वैसे हंसना माना अंदर की कसरत है। तो खुशी एक बहुत अच्छी दवाई है और आज बाबा ने इस दवाई का सीक्रेट फॉर्मूला बताया कि सीक्रेट फॉर्मूला है भगवान की दी हुई खुशी की गोली है। वैसे डॉक्टर भी दवाई देते हैं खुशी की दवाई, एक साइंस में गैस है जिसका नाम ही है लाफिंग गैस। माना ये गैस अगर आपने सूंघ लिया तो आप हंसना चालू करोगे, हंसते रहते हैं, ऐसे गैस है। इवन कुछ दवाइयाँ है जैसे किसी ने अगर भांग पिया है तो आपने देखा होगा कि जिस स्टेट में रहते हैं भांग वाले उसी स्टेट में रहते हैं, अगर समझो कोई हंस रहा है तो लगातार हंसता रहेगा। लेकिन ये सब डिपेंडेंट है बाह्य वस्तुओं के ऊपर। खुशी के बारे में यही कहा जाता है कि जब तक हमारी खुशी किसी विनाशी चीज के ऊपर अवलंबित होती है, डिपेंडेंट होती है, तब तक वो स्थायी नहीं रह सकती। बाबा ने मुरली में हमेशा दो शब्द इस्तेमाल किए, स्थायी और अस्थायी। तो बाबा चाहता है कि हमारी अवस्था स्थायी रहे या स्थायी खुशी रहे, लेकिन स्थायी खुशी तभी रह सकती है जब बाबा ने जो आज गोली बताई है, जिसको बाबा ने कहा मन मना भव। भगवद गीता का ये श्लोक हम सब ने देखा भगवद गीता स्टडी ग्रुप में, कि वैसे भी भगवद गीता पूरा सार है वेद उपनिषद का, तो इतने हजारों श्लोकों को 700 श्लोकों में कंडेंस कर दिया, उसमें अगर कोई श्लोक दो बार आता है तो उसका महत्व अनन्य साधारण है। और वो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमा नमस्करो। हम सब ने देखा 9वें अध्याय में 34वां श्लोक और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक, तो इतना इम्पोर्टेंट ये श्लोक है और भगवान भी इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि बच्चे सबसे अच्छी खातिरी है खुशी की खुराक खिलाते रहो। और सिक्रिन की बूंद है, बाबा ने कहा सिक्रिन की बूंद मन मना भव। मैं यहाँ पर थोड़ी कहावतों को कनेक्ट करना चाहूंगा। जब कोई अच्छी बात होते हैं या कोई अच्छा कुछ कहता है भविष्य में, जैसे कोई हमको शुभ भावना देता है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। अब ये भी मीठा होता है,
कोई भी खुशखबरी होती है तो मिठाई बांटते हैं, जैसे कोई पास हो गया, प्रमोशन हो गया, घर हुआ, शादी हुआ, त्योहार, तो सभी खुशी के मौके पर मीठी चीजें बांटी जाती है, कड़वी नहीं। मीठी चीजें क्यों बांटते हैं? क्योंकि मीठी चीजों के साथ में खुशी जुड़ी हुई है। हम एडिक्शन में सेवा देते हैं तो हमने देखा देर इज समथिंग नोन एज फूड एडिक्शन, खाने के चीजों का भी एडिक्शन होता है। तो ये जो फूड है, तो ये मीठी चीजें है, वो जब व्यक्ति खाता है, जबान के ऊपर जाता है, तो जबान के ऊपर टेस्ट बड होते हैं। उस टेस्ट बड से, जिससे हमको टेस्ट का पता चलता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, 6 प्रकार के टेस्ट आयुर्वेद में वर्णन है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे कहते हैं। तो ये जो मधुर रस है, इसका जो मैसेज है, ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन में कहाँ जाता है? तो ब्रेन में एक प्लेजर सेंटर होता है, जिसको कहते हैं आनंद का केंद्र। तो जब आनंद के केंद्र में ये मैसेज जाता है, तो वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, रासायनिक पदार्थ का स्रवण होता है, उसका नाम है डोपामीन। और ये डोपामीन हमको अतींद्रिय सुख का अनुभव कराता है। तो बाबा ने आज उदाहरण दिया है, जैसे सैक्रिन से मुंह मीठा हो जाता है, यही खुराक है। बाबा के वक्त केवल सैक्रिन था, आज तो भारत का नंबर 1 ब्रांड जो है वो है शुगर फ्री। शुगर फ्री में एस्पार्टेम नाम का स्वीटनर होता है, ये नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन इसके आगे भी गए हैं। अभी स्टीविया नाम का एक स्वीटनर आता है, पर ये प्लांट बेस्ड है, माना इसमें केमिकल नहीं है। तो ये सब स्वीटनर है जो छोटी मात्रा में बहुत शक्तिशाली मिठास वाले होते हैं, जो डायबिटीज के मरीज को दिए जाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ये खिलाने से मुखड़ा खिल जाएगा, और ये खुराक है, बाबा इसको खुराक कह रहा है। तो बाबा ने कहा सैक्रीन खुराक, कौन सी सैक्रीन? तो मन मना भाव। इसका मतलब जब हमारा मन एक शिव बाबा में स्थित हो जाएगा। अभी जब मन कहते हैं तो शास्त्रों में मन अलग भाव से कहा है, उसमें मन के साथ बुद्धि भी है। तो पूरा होना चाहिए कि मन और बुद्धि बाबा में एकाग्र हो जाती है। तब क्या होता है कि तब हमको खुराक मिलती है, माना शक्ति मिलती है। जैसे भोजन से शक्ति मिलती है, वैसे मन मना भाव से भी शक्ति मिलती है। और इस शक्ति से के आधार पर हम अपने रोज के कर्मों में विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको खुराक कहा है। और खुशी जैसी खुराक नहीं, ये क्यों आया है? इसका मतलब स्थूल भोजन से भी खुशी ज्यादा जरूरी है। बाबा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कई बार हमने देखा है 36 प्रकार का भोजन खाने के बाद भी खुशी नहीं है। खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खुशी नहीं मतलब ऐसे नहीं कि हंसते रहते हैं, नहीं, हंसते नहीं रहते हैं, नींद नहीं आती है, रिश्ते नहीं है अच्छे, सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। माना इस समय लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी दुखी रहते हैं। हम समझ सकते हैं कि फेमाइन आता है, माना दुष्काल हो जाता है, अनाज नहीं मिलता है, तो भूख की वजह से, जैसे अफ्रीका में कई देश है, सोमालिया फॉर एग्जाम्पल, वहां पे लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो खाने को न मिलने से दुखी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन खाना पीना होते हुए भी दुखी है। हम समझते हैं कि अमेरिका सबसे अमीर देश है, बहुत सुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बेची जाती है। इसका मतलब क्या?
खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यों? डिप्रेशन और नींद की गोलियां। क्यों? क्योंकि खुशी नहीं है। और बाबा यही सॉल्यूशन दे रहा है। पहले तो अमेरिका था, अभी तो पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में यह अवस्था है। खुशी के ऊपर स्टडी भी हुई है तो देखा गया कि छोटे छोटे देश बहुत खुश रहते हैं। इसका क्राइटेरिया है। खुशी के ऊपर स्टडीज हुई है तो भारत का नंबर बहुत पीछे, छोटे देश। तो उसमें देखा कि आपका इनकम कितना है, आपको रहने की सुविधा कितनी है, पहनने के लिए कपड़े, पढ़ाई, आपका नेचर, पर्यावरण शुद्ध अशुद्ध है। इन सब क्राइटेरिया के ऊपर देखा गया कि कौन से देश ज़्यादा खुश है। तो खुशी की खुराक बाबा क्यों कह रहा है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझना। बाबा इनडायरेक्टली हम बच्चों को ये कह रहा है कि बच्चे आगे चलकर प्रदूषण और बढ़ने वाला है। प्रदूषण हर जगह पे है। खाने पीने में प्रदूषण है, पानी प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। अभी रहा क्या, ये तीनों प्रदूषित हो गए। तो प्रदूषित चीजें हैं जिसमें केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, इवन हमारा फूड फूड चेन पूरा। तो इसमें आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? और ये चीजें जो है, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा दूध के लिए, सब्जी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब एक ऐसा समय आएगा जब हमको ये चीजें भी नहीं मिलेगी, तो उस समय क्या कहेंगे? तब बाबा ने ये कहा हुआ है कि मन मना भव की खुराक खा के आप जिंदा रहेंगे। अभी क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच है। इसके ऊपर भी साइंस में प्रयोग हुए हैं कि बगैर अनाज के आप कितना दिन तक जिंदा रह सकते हो। तो जिंदा रहने के लिए हमको अनाज चाहिए या एनर्जी चाहिए? तो ऐसे योगी होके गए हैं जो बिना अनाज के रह सकते हैं। बिना अनाज पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो किडनी तो शटडाउन होगी, किडनी बंद होगी। तो पानी पिएंगे। वैसे भी भारत में कई सारे त्योहार में पानी के ऊपर रहते हैं। जैनों में, खास करके जैन कम्युनिटीज में, पानी के ऊपर उपवास करते हैं। फिर आपने अगर सुना हो तो निर्जल उपवास भी होता है, लेकिन लंबे समय तक मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे योगियों का वर्णन है जो केवल सूर्य के प्रकाश के ऊपर जिंदा रहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि केवल सूर्य के प्रकाश के ऊपर जीने वाले। अब ये कैसे संभव है? तो उन योगियों का एक ही कहना था कि हम भोजन इसलिए लेते हैं कि हमको एनर्जी चाहिए, और हम ये एनर्जी सूर्य से ले लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, दो बातों के लिए इंटरेस्टिंग लगा। एक, जैसे बाबा ने कहा आगे चलकर हमको खाने को शायद न मिले, उस समय हम कैसे जिंदा रहेंगे? क्योंकि पानी हवा पूरा ज्यादा प्रदूषित होगा। अभी है, परसेंटेज में है, लेकिन उस समय तो बाबा ने ऐसे भी कहा, बायोलॉजिकल वेपन्स जो उस समय बने नहीं थे, आज सीरिया में इसका इस्तेमाल हुआ। कि कैसे एक बॉम्ब फटा, पहले बॉम्ब फटते थे तो अग्नि से खत्म करते थे या शॉक से खत्म। अभी ये धुआं निकलेगा, पॉइजनस गैस, जैसे भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, हमने देखा कितने एरिया में लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही बहुत सारे डिजास्टर हुए, शर्नोबिल डिजास्टर आपने अगर सुना हो। तो बाबा ने कहा ऐसे बम बने हुए हैं कि शहर पर डाल दिया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा पॉइजनस गैस की वजह से। अभी ये पॉइजन पानी में भी जाएगा। तो भले हम शरीर नहीं छोड़े, लेकिन पानी प्रदूषित होगा तो वो पानी हम पी नहीं पाएंगे।
मुझे बताने को भी डर लगता है, लेकिन आप कल्पना करो कि क्या हो सकता है। एक साइकोटिक व्यक्ति की जरूरत है, पागल व्यक्ति, जो ऐसे वेपन बनाए जो हमारे सभी स्रोत को पॉइजनस कर दें। इसके ऊपर भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। अब्दुल कलाम जी ने तो यहां तक कहा था, आगे चल के वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि पानी है तो जीवन है। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं कि बाबा हमको धीरे धीरे उस अवस्था में लेके जा रहा है कि हम मन मना भाव की खुराक से शक्तिशाली बने रहे। और बाबा कह रहा है कि औरों की भी खातिरदारी से करो। बाबा के शब्द देखो आज के मुरली के, अतींद्रिय सुख में रह, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरदारी है। हमारे पास मेहमान आते हैं तो हम उनको फल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं, चाय कॉफी, नाश्ता, अच्छा भोजन खिलाते हैं, तो हम समझते खातिर ही किया। बाबा ने कहा सबसे अच्छी खातिरी है ज्ञान योग, और ये खातिरी हमको करना है। ये सच्ची सच्ची खुश खैराफत है। तो देखो भगवान क्या कह रहा है, भगवान हमको इंडिपेंडेंट बना रहा है ताकि आने वाले समय में हम स्थिर रहे, स्टेबल रहे। वैसे भी कहते हैं, बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है कि जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि है, उनको 2 वक्त की दाल रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। बेगरी पार्ट का इतिहास आप सबने सुना होगा, जब यज्ञ में धन समाप्त हो गया था तो उस समय बाबा डोड़ा और छाछ, माना रोटी और छाछ, सबको वही खिलाते थे। तो उसमें देखा कि जैसे छाछ से कई लोगों का अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, अस्थमा बढ़ जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि खुशी की खुराक मिल रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। बाबा ने मन मना भाव के मंत्र से हमारा तीसरा नेत्र खोला है। तो हमको बाबा पूछ रहा है कितनी खुशी रहनी चाहिए। सदा खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक होती है। और बाबा ने फिर आगे कहा, 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है, और ये खुराक खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। भगवान क्या कह रहा है, खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी की एक और सुंदरता है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। वैसे लौकिक में कोई भी खजाना आप बांटते हैं तो वो कम हो जाता है, लेकिन ये जो अविनाशी खजाने हैं जो भगवान ने हम बच्चों को दिए हैं, जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। मैं अपने सेशन में ये विशेष ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल लोगों की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। पहले तो लोग एकाग्रता से सुनते थे, अभी सुन भी नहीं पा रहे, सुनने की कैपेसिटी भी खत्म हो रही है। तो क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि वो ताकत नहीं रही है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। तो मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ब्रेन के साइनेप्सिस, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, पेशियाँ रहती है, वो थोड़ा खुल जाए। जब वो खुश हो जाते हैं तब वो एक या दूसरी बात उनकी बुद्धि में बैठती है। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि खुशी अगर नहीं है तो जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, और अगर बीमारी है तो उससे ठीक नहीं होते हैं। तो बाबा कह रहा है सदैव बच्चे हर्षित रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और नई दुनिया में जैसे अभी के बच्चों को मैं सेशन लिया कल कोल्हापुर में,
तो कितना टेंशन है। 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम अभी आ रही है महाराष्ट्र में, तो बच्चों का चेहरा देखते ही बनता था। एक तो उनको अपनी पढ़ाई का टेंशन, फिर माँ बाप का टेंशन, दोस्तों का टेंशन। इतने कमजोर ये जनरेशन है। एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, उसका चेहरा देखते ही बनता था। वो जवाब भी नहीं दे पा रहा था, अपना नाम बता नहीं पा रहा था। हमने उसको रिलैक्स कराया। तो मैं अपने सेशन में आजकल ये बात कहना मैंने चालू किया है कि ये जो एग्ज़ाम है 10th और 12th, क्योंकि अभी ये केसेस बढ़ने वाले हैं, हमको पता है, लोग उसको जन्म मरण का प्रश्न बना लेते हैं, माँ बाप भी। कितने माँ बाप मैं टेंशन में देखता हूँ, 10वीं 12वीं माना इनका ही एग्ज़ाम है। तो मैं उनको कहता हूँ, मेहनत ज़रूर करो, पढ़ाई ज़रूर करो, लक्ष्य ज़रूर ऊंचा रखो, लेकिन अगर समझो मेहनत करने के बाद भी आपको जैसे चाहिए उतने मार्क्स नहीं मिलते, फेल होते, कम मार्क्स मिलते हैं, तो रिलैक्स, निराश नहीं होना है और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना पड़ रहा। मैं उनको एक ही होमवर्क देता, मैं कहता हूँ अगर समझो फेल भी हो गए तो ये परीक्षा माना क्या है कि हमारी जिंदगी की किताब में एक पन्ना है। अगर एक पन्ना खराब है तो पूरी किताब को जलाते नहीं है, उस पन्ने को फाड़ के फेंक देना चाहिए, फिर से शुरुआत कर देना चाहिए। ये कह के मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को रिलैक्स कराता हूँ, क्योंकि वो इसको अंतिम समझ लेते हैं। हमको पता है, बाबा के बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि ड्रामा खत्म हो रहा है, तो आत्माओं को सजाओं का अनुभव के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। मुझे तो ऐसे लगता है सुसाइड प्रिवेंशन टास्क फोर्स बनाना चाहिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक बीमारी के ऊपर प्रिवेंटिव टास्क फोर्स होना चाहिए। इसका काम ही है कि समय समय पर बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबके लिए बताए कि निराश नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो अभी हमारा बहुत डिमांड है सब जगह पे। अभी मैं एक सेशन लेके आया कोल्हापुर में, तो एक हॉस्पिटल में सेशन था, तो डॉक्टर के कैबिन में गए, तो बहुत अच्छा फोटो था, पति पत्नी और बच्चे, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि सचमुच सबके चेहरे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तो वो डॉक्टर का चेहरे पे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं दिखाई दी। उसने कहा, थैंक यू, फोटो आपने अच्छा कहा, लेकिन उसमें कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। उस डॉक्टर की बेटी, जो खुद एक सर्जन थी, उसने सुसाइड कर लिया, और वो डॉक्टर का स्ट्रेस चेहरे से देखते बनता था। तो हम आज इस युग में हैं जहां डॉक्टर भी आत्महत्या करने लगे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बाबा जो कह रहा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि शरीर छूट जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इसका बहुत सिंपल तरीका है, मन मनाभव आत्मिक दृष्टि। आत्मा को देखो, बस आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो कि मैं अपने भाई आत्मा को ज्ञान दे रही हूँ, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, मैं भी शिव बाबा का बच्चा, आदि अनादि पवित्र है। और कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो चुप रहना है। मैं ज्यादातर रिलेशनशिप्स के ऊपर बोलता हूँ, संबंधों में जो तनाव होता जा रहा है। तो बाबा ने तो आज कहावत ही बता दी कि ताली दो हाथ से बजती है, तो एक भी चुप रहे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। अमृत वेले ही अपनी गाड़ी को पटरी पर खड़ा कर दो तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहेगी। अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा, पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। ये बाबा के सभी बच्चों का अनुभव है। सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले सच्ची सीताएं, इनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। तो बाबा की मदद को कैच करेंगे हम, मन मना भाव से बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम मैसेज है,
मन मना भाव से खुशी की खुराक खाओ और खिलाते रहो, तो अवस्था बहुत अच्छी रहेंगी। और यही रूहानी खातिरी हमको सबकी करनी है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अच्छा, ओम शांति।